हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। होप यू ऑल आर फाइन। थैंक यू डियर। द न्यू वीडियो इज रिलेटेड टू आइडेंटिटीज ऑफ चैप्टर 9, क्लास 8, चैप्टर 9 से रिलेटेड है। चैप्टर 9 से रिलेटेड हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं उनको कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनको कोशिश करेंगे इस वीडियो में सॉल्व करने की। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करो कि फर्स्ट आप ए क्वेश्चन इसमें है, ए 3a+7 इंटू 3a+7। यू कैन राइट इट 3a+7 होल स्क्वायर। तो अब आपको बेटा आइडेंटिटीज यूज करनी है जो दैट इज a+b होल स्क्वायर, मीन्स a² + b² + 2ab + b² बिकॉज हियर लिसन, सपोज दैट दिस 3a इज a एंड 7 इज b, तो a+b होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर इज used, क्लियर। तो सपोज करो 3a+7 का होल स्क्वायर हम उसी पे रखते हैं। a मीन्स 3a, 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 7 प्लस b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर। द आइडेंटिटी दैट इज यू हैव टू यूज a² + 2ab + b² तो 3 3 = 9a² प्लस 2 3 = 6 7 = 42a + 49। दिस इज द आंसर। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लाइक दिस, 2/3p दैट इज जी, 2/3p माइनस 3/q होल स्क्वायर, 3/4q होल स्क्वायर। हियर गिवन, सपोज दैट दिस इज a एंड दिस इज b, a - b होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यू हैव टू यूज a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b² दिस आर आइडेंटिटीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यू हैव टू नो ऑल अबाउट द आइडेंटिटीज। तो डियर स्टूडेंट, देयर इज नो कंफ्यूजन, वी हैव टू डिस्कस ऑनलाइन क्लासेस, तो देयर इज नो कंफ्यूजन, यू हैव टू यूज ऑल द आइडेंटिटीज। क्लियर, तो 2/3p माइनस 3/4q होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3p होल स्क्वायर माइनस 2 × 2/3p × 3/4q + 3/4q होल स्क्वायर। रिजल्ट इज 2 2 = 4 3 3 = 9² - −3 3 cancel 2 2 = 4 and 2 6 2 cancel that means −p³ left + 9/16 3² - 4² = 16q² तो दिस इज द आंसर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर, हैव यू गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू सॉल्व, सपोज दैट इट इज गिवन दैट n इज गिवन 2x + 5 × 2x - 5। अब आप सीरियसली इसको देखो बेटा, सपोज दैट दिस इज a, सपोज करो a, दिस इज b + b, क्लियर, दिस इज ऑलरेडी a एंड दिस इज b,
put the bracket minus. So a plus b, a minus b identity is a square minus b square. So you have to use just 2x plus 5 into 2x minus 5 is equal to, you can write 2x square minus 5 square. So 2x square means 4x square minus 25 is the answer. Clear? ये समझ में आ गया होगा, होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्लियरली इसको समझने की कोशिश करिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी. क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन, यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली. क्लियर? यू हैव टू सी के के दैट इज x plus 7 into x plus 5. You have to already study identity that we have to already teach you in जो कि हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताया है सारी आइडेंटिटीज को, उसको आप कोशिश करने का समझने. x plus a and x plus b, this the identity is x square plus a plus b x plus a b. This is the identity that we have to use. So you can write it like this: x plus 7 into x plus 5 equal to x square means x square plus a plus b. A is 7 and b is 5. 7 plus 5 x plus a into b means 7 into 5. 7 into 5. Clear? So 7 into 5, x square plus 7 5, 12 x plus 7 5 ja 35. ये आंसर हो जाएगा. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? बेटा आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए. कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा एट वंस. हो सकता है बाई चांसेस कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस नोट करने में हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो जो मैं सोल्यूशन क्वेश्चन नोट करके करता हूं उसका सोल्यूशन इट इज रहेगा. क्लियर? हाँ, लेकिन हो सकता है डिजिट्स आपकी मिस्टेक से, हमसे गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो आप उस डिजिट को करेक्शन करके उसी तरीके से उसको सॉल्व कर लिया कीजिए. इतना आप नोट कर चुके होंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, कुछ और क्वेश्चन फर्स्ट का करा देते हैं जिनको आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे. क्लियर? और आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ये मुझे अच्छा लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज दैट इट इज गिवन क्यू ए स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर होल स्क्वायर. सिंपल सी बात है, सपोज करो ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर. द आइडेंटिटी यू हैव टू ऑलरेडी लर्न, आइडेंटिटी आपने पहले से सीख रखा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट ऑल्सो, हमने इसको प्रूव भी किया है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिलती हुई नजर आएंगी. क्लियर? तो यू हैव टू राइट ए स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर होल स्क्वायर. अब ए मीन्स ए स्क्वायर बी, तो यू हैव टू राइट ए स्क्वायर बी होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होल स्क्वायर. क्लियर? यू कैन राइट इट ए स्क्वायर होल स्क्वायर ए की पावर 4 बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर. क्लियर? प्लस बी स्क्वायर एंड सी पावर 4. दिस इज द आंसर. देयर इज नो कंफ्यूजन, मे बी यू कैन सॉल्व इट ऑलरेडी. और आई हैव टू सॉल्व All these questions. मैंने इन सारे questions को PDF में भी भेज रखा है, उनको आप seriously देख लोगे तो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी. Suppose करो एक आपको O question जिनमें बच्चों को थोड़ी सी confusion हुई थी, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा. 3x minus 7
3x माइनस 7 एंड 3x प्लस 4। अब आप देखो यहां बेटा x x सेम है लेकिन a और b दोनों डिफरेंस है, तो इसमें ऐसा नहीं कि x प्लस a और x प्लस b वाला यूज हो जाएगा, नहीं, इसमें यूज वही होगा x प्लस a और x प्लस b। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, नहीं सर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, दोनों सेम डिजिट नहीं है। देखिए ए यहाँ 7 है और बी यहाँ 4 है, इसलिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना। इसको आप लिख सकते हो क्या, x प्लस a, हमने पॉजिटिव का फार्मूला लर्न किया है, देखा है, तो आप इसका फार्मूला यूज करते जाइएगा एज इट इज। हाँ, जिस डिजिट के साथ जो साइन है उसको यूज करते चलेंगे, प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा ए बी, क्लियर। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 3x माइनस 7 और 3x प्लस 4। आप क्या करेंगे, x स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस प्लस का साइन लगाओ, प्लस है इसमें। अब यहां पर देखने की जरूरत है, यहां पर a माइनस 7 है तो लिखो माइनस 7, प्लस यहां पर b 4 है तो प्लस में लिखो 4 और x बाहर रखो, प्लस माइनस 7 इंटू 4, माइनस 7 इंटू 4, ध्यान से देखिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर प्लस प्लस में आंसर आएगा, बिल्कुल अभी प्लस रखिए, माइनस 3 में प्लस 4 जाएगा तो क्या आएगा माइनस 3x, और प्लस में ही रखो तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28 माइनस 28। अब आप इसको देखेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 28, दिस इज द करेक्ट आंसर, देयर इज नो कंफ्यूजन, यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू सॉल्व, दैट इज आर आर, क्लियर, दैट इज 3m अपॉन 3m प्लस 4 अपॉन 5m होल स्क्वायर, देयर इज नो कंफ्यूजन, यहां आइडेंटिटी दैट यू हैव टू यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर। आप रख लीजिए इसी पे, 3m प्लस 4 अपॉन 5m होल स्क्वायर मींस 3m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 4 अपॉन 5m, क्लियर, प्लस 4 अपॉन 5m स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा आपको, दिख भी रहा होगा, दिख रहा होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, आपको सब समझ में आता चला जाएगा। अब आप देखेंगे जब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24 m n अपान 5 प्लस 4 4 जा 16 अपान 55 या 25 एन स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो आपको ये समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अगर आपको और कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और आप इस वीडियो को देख के और इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गॉड।